हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द एर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो इससे पहले देखिए 7 वीडियो आप देख चुके हैं इस चैप्टर की। और देखिए जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देख पा रहे होते हैं तो वो दूसरे स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं, मुझसे दोबारा शेयर करवा सकते हैं और उन वीडियोज़ को आप एक बार फिर से देख लीजिए। एक बार में समझ नहीं आता तो इन वीडियोज़ को दो बार देख सकते हैं और पॉज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं देखिए इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या रहा। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग समझना जरूरी है। रिफॉर्म में सुधार करना होता है, फॉरेन में विदेशी और एक्सचेंज चेंज होना। तो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या निकला कि विदेशी एक्सचेंज पैसा जो हमारे देश में आता है, यानी कि फॉरेन मनी का भारत में आना, वो कैसे आएगा, यानी कि क्या कहा गया फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी पैसा, उसको कैसे इम्प्रूव किया गया। अब देखते हैं प्रायर टू 1991 को प्रायोरिटी देते हुए द गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर्ड द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी के यूज को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर्ड किया था। फॉरेन करेंसी यूसेज वाज कंट्रोल्ड, विदेशी करेंसी का यूज कंट्रोल्ड कर दिया गया था। अ पर्सन कुड गेट ओनली USD 500 फॉर ट्रेवल एब्रॉड। एक पर्सन केवल 500 $500 को ले जा सकता था, ठीक है, ट्रेवल एब्रॉड बाहर यात्रा करने के लिए। सिंस 1991 अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी हैज बीन रिलैक्स्ड। अब 1991 से क्या था कि फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी में कुछ रिलैक्स किया गया टू मेक अप फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो पेमेंट क्राइसिस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए द रुपी वाज devaluated against foreign currencies, foreign currencies के अगेंस्ट पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई थी। devaluated यानी वैल्यू कम होना। the market forces of demand and supply determined the exchange rate in India। तो demand और supply का market force भारत के exchange rate को determined करता था। as a result क्या हुआ, ब्लैक मार्केट ऑफ फॉरेन करेंसी वाज कंट्रोल्ड। इस तरह फॉरेन करेंसी की ब्लैक मार्केट को कंट्रोल किया गया। अब देखते हैं चेंजिंग इन द रोल ऑफ स्टेट। स्टेट के रोल में क्या चेंज हुआ, राज्य ने अपना रोल कैसे चेंज किया। यहाँ मेन पॉइंट को मैं समझाता हूँ आपको। देखिए द रोल ऑफ द स्टेट हैड चेंज्ड फ्रॉम, स्टेट का रोल कैसे चेंज हुआ था, दैट ऑफ अ कंट्रोलर, एक कंट्रोलर से, रेगुलेटर से या प्रमोटर से, एंड प्लानर पार्टिसिपेटर, एक प्लानिंग करने में पार्टिसिपेट करने वाला पर्सन प्लानर पार्टिसिपेटर, टू दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर, और वो एक इन सब के बजाय एक फैसिलिटेटर बन गया, यानी फैसिलिटी देने वाला। नाउ द स्टेट फैसिलिटेटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब स्टेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने लगा, यानी कि उनको फैसिलिटी देने लगा, उन्हें परमिशन देने लगा। एंड डेवलपमेंट आल्सो, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेजर टर्न अराउंड ऑन द स्टेट्स रोल। तो स्टेट के रोल में बहुत बड़ा मेजर जो टर्न अराउंड रहा उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी 91 रिस्पॉन्सिबल थी। अब देखते हैं द रोल ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द NEP एज फॉलोज। तो NEP के अंडर में गवर्नमेंट के रोल्स क्या कर रहे, लेस पार्टिसिपेशन एज प्रोड्यूसर। तो गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर के रूप में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहा, कम से कम, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज और सभी को छूट दे रखी थी बिजनेस करने की। नेक्स्ट जो टॉपिक थे रेगुलेटरी रोल। 1947 to 1990 वेरियस रेगुलेशंस, अलग अलग तरह के रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज और पास्ड टू कंट्रोल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। तो इंडस्ट्रीज और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए 1947 से 90 के बीच बहुत से रूल्स और लॉज पास किए गए थे। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं क्लास कि एज अ फैसिलिटेटर, एक फैसिलिटेटर के रूप में द गवर्नमेंट हैड एक्टिवली एंड सक्सेसफुली डेवलप्ड। गवर्नमेंट एक्टिवली और सफलतापूर्वक डेवलप हुई, क्या डेवलप किया उसने, द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्सेसफुली डेवलप किया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड विद द ग्रीन रेगुलेशन।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हुआ। द ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ग्रोथ, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर में प्रोडक्शन का रिजर्वेशन, एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स थ्रू नेशनलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड बैंक्स। तो नेशनलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड बैंक के थ्रू सेविंग्स को मोबिलाइज करना, यानी बचत को और प्रोत्साहित करने का काम हुआ। ठीक है, एक फैसिलिटेटर रूप में स्टेट वर्क करने लगा। ठीक, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट भी इसमें शामिल रहा। द गवर्नमेंट हैड टू प्रोवाइड सर्टेन पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट कुछ पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराने लगी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इट हैड बीन वर्किंग आउट स्ट्रेटजीज, और ये उस रणनीति के साथ वर्क कर रही थी टू ओवरकम इनइक्वालिटी, जिससे कि हम इनइक्वालिटी को दूर कर सकें, पॉवर्टी को दूर कर सकें और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को भी दूर कर सकें। अब देखते हैं कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट, तो किस तरह एक आकलन किया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो असेसमेंट मीन्स क्या होता है, आकलन करना, जांचना। तो क्लास यहाँ पर हम देखते हैं नियरली टू डिकेड्स लेटर, लगभग टू डिकेड के बाद, डिकेड मीन्स क्या होता है 10 ईयर्स का टाइम, टू डिकेड के बाद क्या था, वी वर इन पोजिशन टू एसेस द NEP 1991। तो 1991 नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को एसेस करने का समय था। तो कैसे एसेस किया गया, यहाँ पर कुछ पॉइंट एसेस किए गए हैं। फर्स्ट वन देखिए, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट सिंस 91 वाज ओनली मार्जिनली हायर। तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट केवल थोड़ी ही हायर रही, 5.7 कंपेयर्ड विद दैट इन 1980-90, 5.6। तो 5.6 से 5.7 तक ही मार्जिनली हायर ग्रोथ रेट हो पाई। द एनुअल ग्रोथ रेट्स वर आल्सो लोअर इन ऑल द सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में एवरेज एनुअल ग्रोथ भी बहुत कम रही, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। ठीक, थर्ड पॉइंट पाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर टू हैड रजिस्टर्ड एन एवरेज ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी एक एवरेज ग्रोथ ही रजिस्टर्ड की। इट वाज इन द सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर ऐसा रहा दैट हैड रिकॉर्डेड अ समवॉट फास्टर ग्रोथ, जिसने कुछ फास्टर ग्रोथ रिकॉर्ड की। अब देखते हैं द फिस्कल डिफिसिट, अब राजकोष की घाटा इसे कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट हैड डिक्लाइंड इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो पिछले रिफॉर्म पीरियड में ये घाटा कम रहा। ठीक, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर एट इन ऑल टाइम हाई। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर समय हाई रहा, 16,817.80 बिलियन INR या 200 बिलियन USD के हैं। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इतना हाई रहा। इन्फ्लेशन हैड बीन कर्टेल्ड टू रीजनेबल लेवल, इन्फ्लेशन को एक सही लेवल तक कम किया जा सका था। एक्सपोर्ट्स हैड इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड इन देयर कंपोजिशन, तो एक्सपोर्ट को उसकी कंपोजिशन के साथ इम्प्रूव करके इंक्रीज किया गया था। ठीक है, इस वीडियो में इतना रहेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम 9th वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।